इस बीमारी को रोकने के लिए जो अनुशंसित दवाएं हैं, तो उसमें से सबसे पहले जरूरी यह है कि हम बीज उपचार सही तरीके से करें, सही दवाई से करें। ऐसा नहीं कि कोई भी दवाई लिया और उसे ट्रीटमेंट कर दी, ऐसा नहीं है। तो जो बीज उपचार के जो दवाइयां हैं उसमें जो प्रमुख हैं वो है थायमेट मिथाइल प्लस साइक्लोस्ट्रोबिन, आप इसको यूज में ले सकते हैं, और 3 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उसे ट्रीटमेंट करें। इसके अलावा जो कार्बोसिन प्लस थायरम है उसको भी आप यूज में ले सकते हैं बीज उपचार के लिए, 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से। इसके अलावा जो दवाई है बीज उपचार में, एक और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है पेंटलूफेन प्लस ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन, उसको भी आप यूज में ले लें 1.25 ml प्रति किलो बीज की दर से। तो बीज उपचार अगर आप करेंगे तो शुरुआती दौर में जो पौधे हमारे मरते हैं, जो नवजात पौधे मरते हैं, तो बहुत सारे यहाँ मतलब पौधों को, नवजात पौधों को बचाया जा सकता है और बीमारी आगे नहीं फैलेगी, इसकी संभावना रहती है। और अगर बाद में भी मान लीजिए बीमारी अगर फैलती है तो आप जो है पायराक्लोस्ट्रोबिन आप कोई स्प्रे कर सकते हैं, पायराक्लोस्ट्रोबिन 20 WG, और जिसकी मात्रा 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि क्योंकि हमने देखा कि यह जो बीमारी है तब फैलती है जब मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो, तो आपके खेत में जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और जितनी जल्दी आप पानी का जो निकास है उसकी व्यवस्था करेंगे, जितना ज्यादा आपका ड्रेनेज बढ़िया रहेगा, तो इस बीमारी को बहुत ही मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ वैसे खेत जहाँ पे आप चना लगा रहे हैं पिछले सीजन में, तो उस खेत में इस सोयाबीन को ना लें, क्योंकि फसल चक्रण बहुत जरूरी है। और आप इसकी जगह वैसे खेत जहाँ पे आप गेहूं लेते हैं, तो उस जगह पे आप सोयाबीन मतलब लगाएं, इसकी वरीयता दें। तो इन सब जो स्टेप्स हैं, इन सबको हम यूज करके इस बीमारी को बहुत हद तक रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण लगी लगी होगी आपको। धन्यवाद।